भाइयों और बहनों, पद्म मौर्य का नमस्कार। आप लोगों को एक मैं कहानी आज सुनाता हूँ, जो एक गरीब माँ बाप, एक गरीब पिता थे और उसकी एक बेटी, दोनों साथ में रहा करते थे। टूटी फूटी झोपड़ी थी उनकी, मगर वो दोनों खुश रहते थे और उसी में आराम से गुजर बसर किया करते थे और दोनों खुश रहते थे। जो सूखा रूखा मिल जाता था वो खा लेते थे और उसी में वो खुश रहते थे। एक दिन गांव के पास, गांव से थोड़ी सी दूर पर एक मेला लगा हुआ था। तो उसके पिता कहने लगे, बेटी आज फला जगह मेला लगा हुआ है, क्या मेला देखोगी? तो लड़की ने कहा, हाँ पापा, क्यों नहीं देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। तो वो लड़की से बोला कि ठीक है बेटा, तैयार हो जाओ, चलो चलें मेला। उसके बाद लड़की तैयार होती है, कपड़े पहनती है और अपने पिताजी के साथ चल देती है। तो अब धीरे धीरे चलती है तो गांव के बाहर जब जाती है तो एक नदी छोटी सी पड़ती थी। अब वो नदी पे पुल था नहीं, तो उस नदी में पिल कर जाना पड़ता था। तो उसने, लड़की ने बाप का हाथ पकड़ लिया और नदी में पार होने के लिए पिले। तो जब थोड़ी दूर चली तो नदी का बहाव, जो पानी का था, बहुत तेज था, जिससे उस लड़की को कुछ थोड़ा सा डर महसूस हुआ। उसने कहा अपने पापा से कि पापा मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो लड़की के पापा ने कहा कि बेटा तुमने तो पकड़ रखा है। बोला, नहीं पापा, आप पकड़ लीजिए। तो लड़की के पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो अब वो सोचने लगा कि ऐसा इसने क्यों कहा। वो नदी पार हो गए दोनों लोग। तो उसके बाद जब नदी पार हो गए तो उसने अपनी लड़की से पूछा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा कि पापा हमारा हाथ पकड़ लीजिए। तो वो मासूम कहने लगी, पापा मैं आपका हाथ पकड़ा था, हो सकता था कि हाथ छूट जाता, मगर आपने हमारा हाथ पकड़ रखा था तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरा हाथ नहीं छूटेगा, क्योंकि आप, कुछ भी आपके साथ हो मगर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो भाई लोग, ये मेरी छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल का नाम है पद्म मौर्य 5825। नमस्कार।